नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम, 5 खेल विधाओं में होंगी प्रतियोगिताएं, चयनित छात्रों को 3 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप। शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में किया गया शिफ्ट, पति के निधन के बाद बिगड़ी तबीयत। बिहार में 4500 सीएचओ की बहाली, चुनाव आयोग से अनुमति लेने की तैयारी, नवंबर से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। अंतिम दिन 51 उम्मीदवारों ने किया नामांकन, बेलागंज सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार, 9 महिलाएं भी शामिल। भारत का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और साउथ अफ्रीका दौरा, बीसीसीआई ने टीम का किया ऐलान, दक्षिण अफ्रीका सीरीज में युवा प्रतिभाएं शामिल। पढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार की नीतीश सरकार ने मिशन 2047 के तहत विकास योजनाओं को गति देने के लिए बिहार विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस दस्तावेज में भविष्य की योजनाएं, मौजूदा योजनाओं का स्वरूप और हर विभाग के विकास लक्ष्यों को शामिल किया जाएगा। मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने बैठक में सामाजिक आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की। राज्य सरकार प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए राज्य परिवर्तन संस्थान की स्थापना करेगी और प्रत्येक की योजनाओं की मासिक समीक्षा करेगी। इसके लिए तकनीकी पोर्टल विकसित होगा, जिससे योजनाओं में हो रहे विलंब को कम किया जा सके। बिहार के 40,000 स्कूलों में खेल प्रतिभा खोज मशाल का आयोजन 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत मिडिल और हाई स्कूलों में 5 खेल विधाओं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, साइकिलिंग और एथलेटिक्स में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसमें लगभग 60 लाख बच्चे शामिल होंगे और प्रतियोगिताएँ विद्यालय, प्रखंड, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर होंगी। चयनित बच्चों को प्रेरणा योजना के तहत सालाना 3 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिससे वे खेल उपकरण, पढ़ाई और ट्रेनिंग में खर्च कर सकेंगे। यह कार्यक्रम बच्चों को खेल करियर बनाने का अवसर प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार के पैक्सों से हटाए गए लगभग 1 लाख सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़े जाएंगे। यह प्रक्रिया 28 अक्टूबर तक पूरी होगी, जिसके बाद 30 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने हटाए गए सदस्यों के नाम जोड़ने संबंधी पत्र सभी DM, DDC, जिला सहकारिता पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा है। सहकारिता विभाग ने हटाए गए सदस्यों की सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्राप्त कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए पूर्व में हटाए गए पैक्स सदस्यों की सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया है। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 34 जिलों में आयोजित की जाएगी, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर है और परीक्षा 13 दिसंबर को संभावित है। आयोग को अब तक 2027 पदों की रिक्तियां प्राप्त हुई हैं और 4 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो 7 से 8 लाख तक पहुंचने की संभावना है। परीक्षा केंद्रों के लिए जिलों के DM से बेहतर परीक्षा केंद्र का चुनाव कर जानकारी भेजने को कहा है और केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक्स उपस्थिति और आंखों की पुतली का निशान भी लिया जाएगा। परीक्षा के प्रश्न पत्रों का रंग भी अलग अलग होगा, जिलों के हिसाब से प्रश्न पत्रों का सेट भी अलग अलग होगा, साथ ही मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की जाएगी। लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वे 1 सप्ताह से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर है और आज सुबह उन्हें ICU वार्ड में स्थानांतरित किया गया। इसकी जानकारी उनके बेटे अंशुमन ने दी है। शारदा सिन्हा को खाने पीने में कठिनाई हो रही थी, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया। इस वर्ष उनके पति ब्रज किशोर का ब्रेन हैमरेज से निधन हुआ था और उनकी तबीयत बिगड़ने की शुरुआत इसके कुछ दिन बाद हुई। शारदा सिन्हा ने हाल ही में अपनी शादी की 54वीं सालगिरह मनाई थी, लेकिन अब उनकी स्वास्थ्य स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। बिहार में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की बहाली प्रक्रिया नवंबर में शुरू होगी, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव चल रहे हैं। पिछले 8 महीनों से यह प्रक्रिया रुकी हुई थी। मुख्य सचिव के माध्यम से चुनाव आयोग से अनुमति लेने संबंधी आग्रह पत्र भेजने की तैयारी है। अनुमति मिलने के बाद अब 50% आरक्षण के आधार पर वैकेंसी जारी की जाएगी। BSc नर्सिंग पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे और संविदा पर नियुक्ति होगी, जिसमें प्रति माह 32,000 वेतन और 8,000 रुपये इंसेंटिव सहित 40,000 रुपये मिलेंगे। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और
अधिकतम उम्र श्रेणी के अनुसार 42 से 47 वर्ष होगी, जिसमें दिव्यांगों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए छूट का प्रावधान है। बिहार के नीतीश कुमार सरकार शराबबंदी के बावजूद चल रहे शराब कारोबार और जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार अब अपराधी नियंत्रण कानून CCA का उपयोग करेगी, जिसके तहत DM आरोपियों को जिला बदर यानी कुछ निर्धारित समय के लिए जिला से बाहर कर सकते हैं। अगर आरोपी जेल में बंद है तो उसे 1 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है। पटना के DIG राजीव मिश्रा ने थानेदारों को निर्देश दिया है कि वे शराबबंदी कानून के उल्लंघन में गिरफ्तार लोगों पर CCA या PMLA के तहत कार्रवाई करें। इस पहल का उद्देश्य शराब माफियाओं पर नकेल कसना और उन्हें 1 साल तक जेल में रखना है। बिहार में विधानसभा के 4 सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 51 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें 9 महिलाएं शामिल हैं। बेलागंज सीट पर 17, तरारी में 14, इमामगंज में 11 और रामगढ़ में 9 उम्मीदवार हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है। नामांकन पत्रों की जाँच 28 अक्टूबर को होगी और मतदान 13 नवम्बर को होगा। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मुकाबले में हैं, साथ ही छोटे दल भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक संविदाकर्मी अभिषेक कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक व्यक्ति से पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है। यह घटना मोतीपुर प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर हुई। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद वरीय अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए अभिषेक कुमार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। SDO वेस्ट श्रेया श्री ने पुष्टि की है कि मामले की जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिहारी न्यूज नहीं करता है। बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए कड़े कदम उठाए हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जिलों द्वारा किए गए आरक्षण समाशोधन की जांच सामान्य प्रशासन विभाग करेगा। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से रिक्तियों और संबंधित रोस्टर बिंदुओं का विस्तृत ब्यौरा 24 घंटे में मांगा है। इसमें सभी श्रेणियों के विषयों जैसे जीव विज्ञान, गणित विज्ञान और समाजशास्त्र के शिक्षकों की संख्या शामिल होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्तियां पारदर्शी और उचित तरीके से हो। जमुई के मांगो बंदर पुल के पास से खैरा पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 1451 बोतल विदेशी शराब जब्त की, जो लगभग 544.125 लीटर है। पुलिस की सघन छापेमारी अभियान के तहत यह कार्रवाई झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई। DPO सतीश सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तस्कर सब्जियों के बीच शराब छुपाकर लाए थे, लेकिन पुलिस को देखकर भागने में सफल रहे। पुलिस अब फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी कर रही है, ताकि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की रालोजपा पटना एयरपोर्ट के पास स्थित सरकारी भवन को खाली करने से इनकार कर रही है। बिहार के भवन निर्माण विभाग ने भवन लोजपा रामविलास को आवंटित किया है और रालोजपा को नोटिस भेजकर इसे खाली करने का निर्देश दिया है। रालोजपा ने इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे न्याय संगत नहीं बताया। पार्टी का कहना है कि भवन आवंटन से संबंधित मामले कोर्ट में लंबित हैं, उसके बावजूद भवन निर्माण विभाग चिट्ठी पर चिट्ठी लिखकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बजाय किसी के दबाव में पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश दे रहा है, जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ पूजा की तैयारियों के तहत आज पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष जहाज से गाय घाट तक सभी घाटों का जायजा लिया, जहां उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी साथ थे। जलस्तर अधिक होने के कारण कुछ घाटों पर कीचड़ की समस्या देखी गई। CM ने सुरक्षा, सफाई और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से जानकारी ली। बिहार सरकार ने छठ पूजा के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, जिससे घाटों पर आवश्यक सुविधाएं जैसे बैरिकेडिंग, शौचालय और स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की जाएंगी। बिहार के उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह आज पूर्णिया में एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान सीढ़ियों से गिर गईं, जिससे उन्हें कमर और हाथ में गंभीर चोट आई है। उन्हें लाइन बाजार स्थित उम्मीद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे ICU में हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन कर हालचाल लिया। लेसी सिंह धमदाहा विधानसभा से विधायक हैं और जदयू कोटे से मंत्री हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिवार के अलावा जदयू के नेता और अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे, जहां समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं।
बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 मैचों की T20 सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीमों की घोषणा कर दी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 टीम में सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, विजय कुमार वैश्य, आवेश खान और यश दयाल शामिल हैं। वहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 18 सदस्यीय टीम में रोहित शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत विकेट कीपर, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, आर अश्विन, आर जडेजा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप प्रसिद्ध, कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर शामिल हैं। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 22 नवंबर से शुरू होगा। इसके बाद भारतीय टीम 8 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज का सामना करेगी, जो कुल 4 मैचों की होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार गुप्ता, रंजीत मिश्रा, नौशाद रजर, राकेश मिश्रा, दीपक कुमार, मोनी सिंह, अर्जुन राम, रमेश कुमार, सुकान शंकर और आयुष राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि शारदा सिन्हा का कौन सा गाना आपके पसंदीदा गानों में शामिल है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।